इस वीडियो में हम लेटर्स जी एच और आई की साउंड्स सीखेंगे। ये है लेटर जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। लेटर जी की साउंड दो तरह की होती है। पहली साउंड है जी ग। ज्यादातर अल्फाज ग की साउंड से शुरू होते हैं। लेटर जी की दूसरी साउंड है ज या जी। इसकी एक खास वजह होती है जो कि हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इस वीडियो में तमाम अल्फाज ग की साउंड से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि जी ग गोट, जी ग गोट यानी बकरी। अब आप कोशिश कीजिए, जी ग गोट यानी बकरी। अब है जी ग ग्रास, जी ग ग्रास यानी घास। अब आप बताइए, जी ग ग्रास यानी घास। और अब है जी ग ग्रेप्स, जी ग ग्रेप्स यानी अंगूर। अब आपकी बारी है, जी ग ग्रेप्स यानी अंगूर। और अब है जी ग ग्लासेस, जी ग ग्लासेस यानी ऐनक। अब आप बताइए, जी ग ग्लासेस यानी ऐनक। ये है लेटर एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच। लेटर एच की साउंड होती है ह, जैसे कि एच ह हैट, एच ह हैट यानी टोपी। अब आप कोशिश कीजिए, एच ह हैट यानी टोपी। अब है एच ह हेन, एच ह हेन यानी मुर्गी। अब आप बताइए, एच ह हेन यानी मुर्गी। और अब है एच ह हॉर्स, एच ह हॉर्स यानी घोड़ा। अब आपकी बारी है, एच ह हॉर्स यानी घोड़ा। और अब है एच ह हाउस, एच ह हाउस यानी घर। चलिए अब आप बताइए, एच ह हाउस यानी घर। ये है लेटर आई, कैपिटल आई स्मॉल आई। लेटर आई की साउंड दो मुख्तलिफ किस्म की होती है। पहली साउंड है आई ई। ज्यादातर अल्फाज ई की साउंड से शुरू होते हैं। दूसरी साउंड होती है आई आई। इस साउंड को इस्तेमाल करने की एक खास वजह होती है जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। आई ई, जैसा कि आई ई इंसेक्ट्स, आई ई इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। अब आप कोशिश कीजिए, आई ई इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। अब है आई आई की आवाज के साथ, आई जैसा कि आई आयन, आई आई आयन यानी इस्त्री। अब आप बताइए, आई आई आयन यानी इस्त्री। अब है आई ई की आवाज के साथ, आई
ई इंक, यानी स्याही। चलिए अब आप बताइए, आई ई इंक यानी स्याही। अब है आई आई की आवाज के साथ, आई आई आइसक्रीम, आई आई आइसक्रीम। अब आपकी बारी है, आई आई आइसक्रीम। तो ये थी लेटर्स जी एच और आई की साउंड्स की पहचान और उनसे बनने वाली चीजों की पहचान। अब आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह आप बहुत जल्द इन लेटर्स और उनकी साउंड्स और उनसे बनने वाली चीजों की पहचान सीख लेंगे।